कॉर्पोरेशन को कब्रिस्तान के लिए वक्त करना है जो मेरे बेटों के नाम पे है, पर आज वो तो दुनिया चले गए, लेकिन उसके मुताबिक आप लोग सब भाई आकर के आप लोग जमीन का लेटर दिया है ना। अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे और आप लोगों को जजाए खैर दे कि आप लोगों ने एक नेक काम के लिए कदम आगे बढ़ाया। कॉर्पोरेशन में हमारी 2 एकड़ जगह थी और अब्बा की ख्वाहिश थी कि वहाँ पर कब्रिस्तान बनाया जाए और बहुत ज़्यादा इसके मामले में एक्टिव रहते थे, मगर उनका इंतकाल वक्त से पहले हो गया। अब होने की वजह से हम लोग ने उनकी ख्वाहिश पूरी करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपने वालिद का नाम नहीं बताया? हाजी शेख उस्मान शेख फलाह कुरैशी मेरे वालिद साहब का नाम। तो उनके दुनिया जाने के बाद आप लोग इत्तेहाद के साथ जो आपकी वालिद की वसीयत तो उस पर कायम करते हुए ये काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह वालिद साहब के लिए और कुछ जरूरत पड़ेगी हम लोग करेंगे। तो आपने जो जगह कॉर्पोरेशन को वफ की कब्रिस्तान के लिए, तो कब्र इंतजामिया कॉर्पोरेशन के इंतजामिया ने कुछ वादा किया है काम काज का, बुनियादी सहूलत वॉल कंपाउंड? हाँ, उन्होंने ये वादा किया है हमसे कि हम वॉल कंपाउंड करके देंगे आप लोगों को, मूल कोई सुविधा जो भी है उसकी वो पूरी करेंगे। उन्होंने वादा किया, इंशाल्लाह हमको भी उनसे उम्मीद है कि ये काम करेंगे। इस पूरे मामले में शहर का कौन से नेता या लीडर के कोई मदद ली आपने? आसिफ शेख जी, हमारे माजी हमारे राशिद शेख साहब और रशीद साहब, उनकी पूरा कोऑपरेट रहा है। रशीद साहब, तायरा मैडम साहिबा, उनको पूरी हमको मदद रही है और उन्हीं के जरिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। शहर की तारीख में, म्यूनसिपलिटी की तारीख में, कॉर्पोरेशन की तारीख में किसी भी शख्स ने 1 इंच जगह नहीं दिया। आप इतना बड़ा 2 एकड़ की बड़ी जगह दिए कब्रिस्तान को वफ की, तो कॉर्पोरेशन ने आपको भी सम्मानित किया गया? हाँ, उन्होंने हमारा खैर मकदम किया। किसने? तायरा शेख मैडम ने जी, और आसिफ शेख साहब ने, कपड़नी साहब ने, इन्होंने हमारा, आसिफ शेख साहब ने और शेख रशीद साहब। तो आप अपने वालिद की वसीयत पर कायम रहते हुए मुतमईन है ना? हाँ, बहुत मुतमईन। उस्मान सेठ चमड़े वाला साहब, उनकी हयाती में मुझको बुलाकर और इनके तमाम ही बच्चों को बुलाकर हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने कहा था, और पहले से उनकी नियत थी इस ज़मीन को मजहबी काम के लिए इस्तेमाल करने की, और उन्होंने फैसला किया था और उसी वक्त उन्होंने कहा था कि यहाँ पर कब्रिस्तान के लिए मैं वक्फ करना चाहता हूँ। और ये 2 एकड़ ज़मीन, 2 एकड़ से थोड़ा ज़्यादा है ये ज़मीन, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को उस्मान सेठ के बच्चे इमरान हाजी, गुड्डू हाजी, रिजवान हाजी, इन लोगों ने कॉर्पोरेशन कमिश्नर को शेख रशीद साहब के साथ जाकर ये वक्फ करने का लेटर दिया और उसमें ये शरायत रखी कि ये ज़मीन हम वक्फ कर रहे हैं, लेकिन ये ज़मीन का ताबा हमारा रहेगा, इसकी देखरेख हम करेंगे, ट्रस्ट बनेगा, इलाके के लोग को भी लिया जाएगा, उस्मान सेठ के परिवार के लोग भी रहेंगे, पूरी देखभाल ये करने वाले हैं। जिस तरीके से आयशा नगर कब्रिस्तान है उसी पैटर्न के ऊपर ये कब्रिस्तान होगा। और शेख रशीद साहब ने कॉर्पोरेशन के फंड से जो 4 दीवारी आप देख रहे हैं, कुछ फंड मिला था तो उसकी 4 दीवारी हुई, बाकी फंड की कम पड़ गया था तो माइनॉरिटी के डिपार्टमेंट से, हुकूमत महाराष्ट्र से 1 करोड़ रुपया जो आया था उसमें से 40 लाख रुपया का यहाँ पर वॉल कंपाउंड और इंटरनल रास्ता, ये रास्ता यहाँ पर सीमेंट कंक्रीट बनेगा, इसका संगे बुनियाद आज रखा गया है। हमारी अपनी कोशिश है, उस्मान सेठ के परिवार की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द ये कब्रिस्तान शुरू हो, ताकि आप देख रहे हैं कि इस दरेगांव, दैना,
ये काफ़ी बस्ती बस गई है और जब मैयत होती है तो उनको वहाँ लेकर जाना पड़ता है आयशा नगर कब्रिस्तान या बड़ा कब्रिस्तान। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और इसके लिए हमारी अपनी कोशिश होगी इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आज संगे बुनियाद रखा गया और हमारी ये कोशिश है जल्द से जल्द ये मुकम्मल हो ताकि यहाँ पर कब्रिस्तान शुरू किया जा सके। صلات و سلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا يا سيدي اللهم انقذنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا صمد يا ذو الجلال والإكرام एक मुकदस नए काम के इब्तदा के लिए संग बुनियाद के लिए हम लोग हाजिर हुए मौला, हम सबकी हाजिर कबूल फरमा। या अल्लाह जिन लोगों के काविशों से इस जनाजा हॉल का संग बुनियाद रखा जा रहा है मौला, उनके रिस्क में इल्म में उम्र में बरकत कुशादगी अता फरमा। उनके हर नए काम जायज़ को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा। कौम मिल्लत का जज्बा और दर्द रखने वाले हमारे जितने भी हमदर्दान हैं, लीडरान हैं, अहबाब है मौला, सबको दारैन की सआदत से मुस्तफीद फरमा। या अल्लाह इस काम में आने वाली तकलीफ़ को आने से पहले दूर फरमा। या अल्लाह इसमें गैब से आसानी अता फरमा। मौला हम मुसलमानों में आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक अता फरमा। हम सबको एक बना नेक बना, दीन ईमान पर इस्तेकामत नसीब फरमा। इन्नल्लाहु व मलाइकतुहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم عليه صلاه وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين। के पीछे वाले गेट के पास कब्रिस्तान में नया जनाजा हॉल का संग बुनियाद मुफ्ती साहब उलमा के हाथों से रखा गया। ये 30x50 का ये RCC का जनाजा हॉल तामीर होगा। हुकूमत महाराष्ट्र के नवाब मलिक साहब ने 1 करोड़ रुपया हमारी डिमांड के ऊपर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से मालेगांव शहर के लिए दिया था, जिसमें आयशा नगर कब्रिस्तान, नया कब्रिस्तान अशरफी ईदगाह के बाजू में आसमान सेट चमड़े वाला और 107 नया सलाइटर हाउस के पास इस तरीके से 1 करोड़ रुपए का संग बुनियाद रखा गया। नया गेट तामीर हुआ आयशा नगर कब्रिस्तान में। हमारे शाहिद भाई, फारूक भाई, हमारे तमाम ही लोगों की कोशिश से और ख़ास तौर पर ज़हीर अशरफी साहब और उनके तंजीम के दीनी तंजीम के उनके तमाम ही उलमा और ज़िम्मेदारान ट्रस्टियान ने हम लोगों को बार बार वो हमेशा याद कराते रहे, चाहे वो कोई भी पार्टी के लोगों उनको याद कराते रहते हैं कि ये कब्रिस्तान में ये ज़रूरत है, कब्रिस्तान में वो ज़रूरत है। ये ज़रूरत की चीज़ उन्होंने हम लोगों को इशारा किया था, याद दिलाया था और हम लोगों ने कोशिश किया। अल्लाह का करम है कि आज उसका संग बुनियाद रखा गया और एक बहुत बड़ी आसानी होगी कि गेट तामीर हो गया, जनाजा हॉल बन जाएगा, वज़ू खाना बन जाएगा। तो रमज़ान पूरा इलाके की आवाम को जो तकालीफ का सामना करना पड़ता था तो उन लोगों के लिए बहुत आसान होगा, चाहे अक्सर कॉलोनी के पीछे का इलाका हो या आयशा नगर के पीछे का इलाका हो, रमज़ान पूरा हो या शहीद अब्दुल हमीद हो, इस इलाके की आवाम को बहुत आसानी होगी ये जनाजा हॉल तामीर होने से। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ज़हीर अशरफी साहब और उनके तमाम ही साथियों का कि उन्होंने हमको यहाँ पर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से फ़ंड लाने की इजाज़त दी थी और हमने फ़ंड ला कर तामीर काम की शुरुआत हो रही है और हम इस बात को यकीन दिलाना चाहते हैं कब्रिस्तान ट्रस्टियान को कि और भी कब्रिस्तान में जो जो ज़रूरत है आने वाले दिनों में जो जो हमको बताएंगे इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम ही ट्रस्टियान को, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज यहाँ पर हमको इजाज़त और काम की शुरुआत। ओके।